करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा धारकों को हटाने के मामले में नया मोड़ आया है और अब हमीरपुर नगर परिषद को खोखा धारकों के द्वारा खोखे नहीं हटाने की मांग किए जाने पर नगर परिषद ने भी पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग से एनओसी की मांग की है। साथ ही उपायुक्त हमीरपुर से भी नगर परिषद के द्वारा खोखे वाली जगह को अपने नाम करवाने के लिए गुहार लगाई जाएगी। नगर परिषद की बैठक में खोखा धारकों को हटाने के मुद्दे पर काफी गहन चर्चा की गई है। हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा धारकों को हटाने के मामले में नया मोड़ आया है और अब हमीरपुर नगर परिषद को खोखा धारकों के द्वारा खोखे नहीं हटाने के लिए मांग किए जाने पर नगर परिषद ने भी पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग से एनओसी की मांग की है। साथ ही उपायुक्त हमीरपुर से नगर परिषद के द्वारा खोखा वाली जगह को अपने नाम करवाने के लिए गुहार लगाई गई। साथ ही उपायुक्त हमीरपुर से भी नगर परिषद के द्वारा खोखों वाली जगह को अपने नाम करवाने के लिए गुहार लगाई जाएगी। नगर परिषद की बैठक में खोखा धारकों को हटाने के मुद्दे पर काफी गहनता से चर्चा की गई है। ये जो दुकान ट्रांसफर करने की बात है ये किसकी हो सकती है? फैमिली मेंबर के नाम। बाकी ये नहीं है कि जिस तरह दुकान है मानसिंह के पास, मानसिंह ने आपको दे दी, वो नहीं होगी। ईओ हमीरपुर केएल ठाकुर ने बताया कि खोखा धारकों के द्वारा नगर परिषद के पास लिखित पत्र देकर खोखों को न हटाने की गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी बताया कि खोखों वाली जगह पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग से निकली है, जिस कारण अब नगर परिषद को दोनों विभागों से एनओसी मांगी है ताकि नगर परिषद का खोखों पर मालिकाना हक हो सके और इसके लिए जल्द ही नगर परिषद डीसी हमीरपुर से भी गुहार लगाएगा। आज नगर परिषद की बैठक रखी थी, इसमें जो नगर परिषद के खोखा बस स्टैंड के साथ हैं उनके प्रधान, खोखा यूनियन के प्रधान उप प्रधान ने हमारे पास एक आवेदन पत्र दिया है कि ये जो खोखे हैं ये यहाँ से नहीं हटाए जाएं। तो इन खोखों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये खोखे जो नगर परिषद ने बनाए हैं ये निशानदेही में पीडब्ल्यूडी विभाग व टूरिज्म डिपार्टमेंट की भूमि के ऊपर निकले हैं। तो इसको, इन खोखों को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगर परिषद को नोटिस दिया है कि इन खोखों को यहाँ से हटाया जाए। तो आज की मीटिंग में इन खोखा धारक ने अप्लीकेशन दी कि ये खोखे यहाँ से ना हटाए जाएं। तो आज की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हम पीडब्ल्यूडी विभाग व टूरिज्म विभाग से अनुरोध करेंगे कि इस भूमि को नगर परिषद के नाम स्थानांतरित करने हेतु हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। अगर ये विभाग दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र हमें दे देते हैं तो हम जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करेंगे कि ये भूमि नगर परिषद के नाम स्थानांतरित की जाए। जो दुकानदार हमें किराया नहीं दे रहे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, अगर वो नोटिस देने के बाद भी किराया जमा नहीं करवाते हैं तो आगामी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। किराया जो है जो हम किराया वापस नहीं करेंगे क्योंकि नगर परिषद के ये खोखे लगभग 40 वर्ष पूर्व बने हुए हैं और स्ट्रीट लाइट हम दे रहे हैं, पक्की नालियां हैं, सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सब जगह सरकारी लैंड के ऊपर जो खोखे हैं उनका नगर परिषद ने बना रखे हैं, तो इसका किराया हम वापस नहीं करेंगे।